गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ चावड़ा पंकज। आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर, आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सारी चीज बेसिक है कि नेचुरल नंबर आप 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में पढ़े हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसके बारे में जानेंगे। एज वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड मूव अलोंग दिस नंबर लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी फाइंड नंबर्स एंड नंबर्स। ठीक है, कि लेफ्ट से हम राइट साइड जब भी जाते हैं, ठीक है, तो कि हाँ नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि 0, 0 से स्टार्ट करना है लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स की पॉजिटिव साइड, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर से नंबर्स ज्यादा तक होते, मालूम नहीं कहाँ तक होगी इसलिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द सिंपलेस्ट नंबर आर 1, 2, 3... दैट मीन्स की इनफाइनाइट तक द नंबर बीइंग यूज्ड इन काउंटिंग। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, तो कि 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एड्रेस टू इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय एन, उसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जो नंबर रहता है उसे हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, इसमें कोई फ्रैक्शनल नंबर होता नहीं है, इसमें डिनोमेटर और न्यूमेटर नहीं होता है, सिर्फ न्यूमेटर होता है, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक रहते हैं। एन इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एड्रेस टू इनफाइनाइट, अगर उसको सेट में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर एज इट गोज अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 है, लेकिन इसमें कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है, क्योंकि कौन सा लास्ट नंबर है वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि लास्ट में इनफाइनाइट आता है इसीलिए। ठीक है, नीचे आपको एक नंबर लाइन दी है नेचुरल नंबर के बारे में। सेकेंड है होल नंबर्स। द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद द नंबर 0 फॉर्म द स्टार्ट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, कि जो सारे नेचुरल नंबर में है वो सारे के सारे होल नंबर में आएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें 1 से स्टार्ट होता था नेचुरल नंबर, लेकिन होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स दिए 0, 1, 2, 3 एड्रेस टू इनफाइनाइट आर अ होल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। दिस नंबर्स आर डिनोटेड बाय W, होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0, और लार्जेस्ट तो कि अप टू इनफाइनाइट तक रहता है, तो कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है। सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट W इज इक्वल टू ब्रैकेट 0, 1, 2, 3 एड्रेस टू इनफाइनाइट तक रहेगा। ठीक है, नीचे आपको दो नंबर लाइन दी हुई है, उसमें बाजू वाली जो दी हुई है उसमें लिखा है नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो वहां पे एरो करके लिखा है कि 1 से जो स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है और 0 से जो स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूडेड है, बट होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है। गॉट इट? प्राइम नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव 1 एंड इटसेल्फ ओनली एज देयर फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, कि प्राइम नंबर्स दैट मीन्स क्या होता है, कि उसके फैक्टर एक ही हो, और वो क्या होता है? इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ दो ही फैक्टर हो, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1
एंड देम सेल्फ, ठीक है। प्राइम नंबर है वो एक से डिविजन होते हैं और इट सेल्फ मीन्स खुद से ही डिविजिबल होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं प्राइम नंबर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, ठीक है। जो प्राइम नंबर है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर के अंदर जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उसे क्या कहते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। उसे हम सी से डिनोट करते हैं, और अगर उसको सेट में लिखना है हमें तो सी इज इक्वल टू 4, 6, 8 तक, ठीक है। जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कौन सा होगा कॉम्पोजिट नंबर होगा, ठीक है। और प्राइम नंबर कौन सा होता है तो कि जो जिसके दो ही फैक्टर हो, एक वन और एक इटसेल्फ। वन इज नेदर प्राइम और नोर कॉम्पोजाइट, ठीक है। वन है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजाइट भी नहीं है। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। इफ द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज वन देन दे आर नो एज को प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर का एचसीएफ वन होता है तो वो क्या होता है को प्राइम नंबर हुए, जैसे कि एग्जांपल में दिया है 4 और 9, ठीक है। तो दोनों के जो कॉमन फैक्टर है एचसीएफ वो क्या है तो कि सर वन है, तो वो क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। एनी टू कंजुगेटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी को प्राइम। अगर दो कंजुगेटिव नंबर दैट मींस एक के बाद एक आ रहा है, जैसे कि 4, 5 तो कि को प्राइम होगा, फिर 6, 7 तो कि को प्राइम होगा, ठीक है। ये हुआ को प्राइम के बारे में नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या आता है ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव, तीनों चीज होती है पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, वो टोटल कलेक्शन को क्या बोलते हैं इंटीजर्स। दिस आर डिनोटेड बाय जेड और आई। इंटीजर को हम कैपिटल जेड और आई से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि ऑल नेगेटिव नंबर से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर तक क्या होता है इंटीजर को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें लिखा है आई और जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट डेट डेट डॉट 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 -3, -2, -0 दैट मीन्स कि -1, 1, 2 और 3 नेगेटिव 0 और पॉजिटिव, तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। नीचे एक आपको नंबर लाइन भी दी हुई है, ठीक है। जीरो की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है और राइट साइड पे पॉजिटिव, और मिडिल पे क्या है जीरो। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। ऑन द नंबर लाइन देर आर नंबर्स लाइक -1/2, 5/2 विच आर कॉल्ड फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमेटर और डिनोमेटर दो चीज हो उसे क्या कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के टाइप, पहले कॉमन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हुज डिनोमेटर इज नॉट 10। कॉमन फ्रैक्शन के अंदर क्या आता है कि जिसके डिनोमेटर में 10 नहीं हो उसे क्या कहेंगे कॉमन फैक्टर्स, सॉरी कॉमन फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और एनी नंबर एनी पावर ऑफ 10, कि जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर 10 हो या 10 का कोई पावर दिया हो उसे क्या कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमेटर से डिनोमिनेटर क्या होता है बड़ा होता है, जैसे कि न्यूमेटर लेस देन डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल में दिया है 5/7, 12/15, ठीक है। तो जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमेटर छोटा हो उसमें क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो कि जिसमें न्यूमेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। इम्प्रॉपर और प्रॉपर एक दूसरे से के ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा न्यूमेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, एग्जाम्पल में दिया है 7/5 और 15/12। मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे कि 2 इंटीजर 2/3।
ठीक है, तो जिसमें क्या दिया हो आपको, इंटीग्रल दिया हो और एज वेल एज फ्रैक्शन दिया हो, जिसमें इसकी इंटीजर भी दिया हो, ठीक है, और क्या दिया हो, फ्रैक्शन भी दिया हो, तो दोनों को क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। दो पार्ट हो उसमें, इंटीजर और फ्रैक्शनल, कंपाउंड फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन वुज नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर देम सेल्फ आर फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमेटर खुद ही हो, उसे क्या कहेंगे, फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन, जो इम्प्रॉपर है उसको हम मिक्स में लिख सकते हैं, बाकी कोई फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट कर सकते नहीं थे। ये थे फ्रैक्शन के टाइप्स। नेक्स्ट रेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स। पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी नंबर्स दिया है। पी एन क्यू यहाँ पे क्या है, तो कि इंटीजर्स होंगे और उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में क्यू दिया है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये उसकी जगह पे कोई और वैल्यू होगी तो चलेगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर। तो बेसिकली पी अपन क्यू फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू, रेशनल नंबर है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ऑल रेशनल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल आर अ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर है वो इट सेल्फ ही रहेगा, उसमें कोई इंक्लूडेड नहीं होगा। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होते हैं, इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर और होल नंबर इंक्लूडेड होते हैं, रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। यू विल नोटिस दैट फ्रैक्शनल डू नॉट हैव अ यूनिक प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल दिया है, 1/2, 2/4, 3/4, दिस आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कि अगर उस वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये था रेशनल नंबर के बारे में, नीचे आपको एक नंबर्स लाइन दी हुई है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसमें सबसे पहले ऑपरेशंस आता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो प्रॉपर्टीज कितने टाइप की है, तो सबसे पहले हम एडिशन के बारे में जानेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दिस इज द कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। कि कोई दो रेशनल नंबर का हम एडिशन करेंगे तो उसका आंसर किसा क्या आएगा, तो कि रेशनल नंबर ही आएगा, वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। दस क्यू इज क्लोजर अंडर एडिशन इफ ए डिवाइड बाई बी एंड सी डिवाइड बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स, देन ए डिवाइड बाई बी प्लस सी डिवाइड बाई डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मीन्स यहाँ पे कोई दो नंबर लिए है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, बेसिकली ये उसकी एक फॉर्मूला है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई दो रेशनल नंबर का आप सिर्फ सिंपल एडिशन करोगे तो उसका एल एच एस और आर एच एस कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो वो क्या होगा आपका क्लोजर। आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सेकेंड है कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव इफ ए डिवाइड बाई बी एंड सी डिवाइड बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर, देन ए डिवाइड बाई बी प्लस सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी प्लस ए डिवाइड बाई डी।
कोई दो नंबर का एडिशन करना है वो आपका LHS होगा, और उसके RHS में वही दो नंबर, लेकिन क्या करना है, अल्टरनेटिव कर देने, आगे पीछे कर देने हैं, कि जो पहले लिया था वो बाद में लेंगे, बाद में लिया था वो पहले लेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, कम्युनिकेटिव, ठीक है। उसके एग्जांपल भी आपको दिए, देख सकते हो। और दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए, इक्वल आएगा तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई, वरना वो नहीं होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव इफ ए डिवाइड बाई बी, सी डिवाइड बाई डी एंड ई डिवाइड बाई एफ आर एनी थ्री देन ए डिवाइड बाई बी प्लस ब्रैकेट में सी डिवाइड बाई डी प्लस ई डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू, ब्रैकेट का क्या करना है, इंटरचेंजिंग, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी डिवाइड बाई डी ब्रैकेट ओवर प्लस ई डिवाइड बाई एफ। क्लोजर में कैसा था, दो नंबर का एडिशन करना है दूसरे नंबर का और उसका आंसर आएगा। कॉम्युनिटिव में क्या करना है, दो नंबर का एडिशन करना है इज इक्वल टू वो दो नंबर का क्या करना है, इंटरचेंजिंग करना है। एसोसिएटिव में कितने नंबर है, तीन नंबर है, उसमें क्या करना है, ब्रैकेट का इंटरचेंजिंग करना है। गॉट इट। नीचे आपको एग्जांपल दिया है। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, तो कि सर जीरो होती है। द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर को जीरो के साथ हम ऐड करते तो उसका आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ, खुद ही आता है। तो इसीलिए एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, तो कि सर जीरो है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है a डिवाइड बाई बी प्लस जीरो, तो उसका आंसर क्या आएगा, इंटरचेंजिंग करोगे फिर भी क्या आएगा, a डिवाइड बाई बी। जीरो इज द आइडेंटिटिव एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ रेशनल नंबर। एग्जांपल भी आपको दिया है, 2 अपॉन 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। नेक्स्ट दिया है, वो आपको दिया है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि माइनस ए अपॉन बी दिया इज द नेगेटिव और द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी, मींस एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, साइन चेंज होगी, जो प्लस होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अगर वो प्लस है तो क्या होगा, माइनस, माइनस होते हो प्लस, वो इंटरचेंजिंग करना, इसीलिए लिखा है एडिटिव इनवर्स। उसकी फॉर्मूला दी है यहाँ पे, ए डिवाइड बाई बी प्लस ब्रैकेट माइनस ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू जीरो। एडिटिव करो तो आंसर और क्वेश्चन का आंसर का एडिशन का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। यहाँ पे लिखा है देखो, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज माइनस 3/5 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 3/5 इज 3/5। अगर दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा आपका, जीरो। गॉट इट। तो ये थी एडिशन की प्रॉपर्टीज। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, तो उसमें क्लोजर, कम्युलेटिव और एसोसिएटिव, बाकी प्रॉपर्टी आती है लेकिन इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए हम वो कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि सर दो नंबर का क्या करना है, एडिशन, किस में, एडिशन में था, लेकिन यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन, और वो क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर, इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, हेंस q इज द क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दिया a डिवाइड बाई बी माइनस सी डिवाइड बाई डी, दो रेशनल नंबर है, उसका क्या किया, सब्ट्रैक्शन, और एक एक एग्जाम्पल दिया है। कम्युनिटिव में क्या होता है, सर दो नंबर होते हैं और उसमें क्या करना होता है, इंटरचेंजिंग करना होता है, तो कि हाँ यहाँ पे दिया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट कम्युनिकेटिव इफ a डिवाइड बाई बी एंड c डिवाइड बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन a डिवाइड बाई बी माइनस c डिवाइड बाई डी नॉट इज इक्वल टू c डिवाइड बाई डी माइनस a डिवाइड बाई बी, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इज इक्वल टू। क्लोजर में सर दो नंबर का एडिशन होता है, कम्युनिटिव के अंदर सर नंबर उसका इंटरचेंजिंग हो जाता है, एसोसिएटिव के अंदर सर ब्रैकेट का इंटरचेंजिंग होता है। अब यहाँ पे देखेंगे एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव इफ ए डिवाइड बाई बी सी डिवाइड बाई डी एंड ई डिवाइड बाई एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर देन, यहाँ पे लिखा है ए डिवाइड बाई बी माइनस ब्रैकेट में लिखा है सी डिवाइड डी माइनस ई डिवाइड एफ नॉट इज इक्वल टू
ब्रैकेट क्या किया, चेंज किया, पहले लास्ट में था अब स्टार्टिंग में आया, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी ब्रैकेट ओवर माइनस ई डिवाइड एफ, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, बाकी कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती नहीं है। अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में दिया है क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो क्लोजर में क्या है, सर सिंपल चीज बोली थी कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज द रेशनल नंबर, हेंस क्यू इज द क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी ये एक नंबर हुआ, इंटू सी डिवाइड बाई डी दूसरा नंबर हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए सी अपॉन बी डी। तो सिंपल क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन, और वो क्या है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको नीचे दिया हुआ है। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव। तो उसमें क्या होता है सर, नंबर को इंटरचेंजिंग करने होते हैं, और एल एच एस और आर एच एस का आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया है क्या, ए डिवाइड बाई बी इंटू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू, अब क्या किया, नंबर का इंटरचेंजिंग, सी डिवाइड बाई डी ये पहले ला दिया और बाद में इंटू ए डिवाइड बाई बी, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ये था कम्युनिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव इफ ए डिवाइड बाई बी सी डिवाइड बाई डी एंड ई डिवाइड बाई एफ एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर्स, देन ए बी अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू, सेम ही नंबर होंगे लेकिन क्या करेंगे, ब्रैकेट का इंटरचेंजिंग, ठीक है। नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मल्टीप्लीकेशन में और भी प्रॉपर्टीज आती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटीज, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो आइडेंटिटिव, तो एडिशन का आइडेंटिटी क्या था, तो कि सर उसका था जीरो। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो कि सर वन होता है। तो इसके लिए इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी डिवाइड इंटू वन, तो उससे क्या आंसर आएगा, सर ए बी, इसीलिए वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, ठीक है। और नीचे एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अगर मल्टीप्लीकेशन के साथ हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो के साथ कोई चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, सर ऑलवेज जीरो आता है, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई विद जीरो गिव्स जीरो, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी आपको दिया है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल वो क्या है, तो कि एडिटिव इनवर्स में कैसा था कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसका क्या करना होगा आपको, रेसिप्रोकल के न्यूमरेटर डिनोमेटर और डिनोमेटर न्यूमरेटर, ठीक है। और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन। यहाँ पे दिया a डिवाइड बाई बी इंटू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू वन। अगर आपको एग्जाम्पल के अंदर दिया है कि वन अपॉन थ्री और उसका रेसिप्रोकल करना है, तो क्या हो जाए, थ्री अपॉन वन, जो न्यूमेटर है उसको डिनोमेटर बनाना है और डिनोमेटर है उसको न्यूमेटर बनाना है, ये हुआ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट आता है डिवीजन। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्लोजर, तो कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन इफ ए डिवाइड बाई बी एंड सी डिवाइड बाई डी आर द टू रेशनल नंबर सच दैट सी डिवाइड बाई डी नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन ए डिवाइड बाई बी डिवाइडेड सी डिवाइड बाई डी इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर कोई दो नंबर का हम डिवीजन करते हैं, अगर वो रेशनल नंबर आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेटिस्फाई होती है। कम्युनिटिव में कैसा रहता है, सर वही चीज कि अगर हमें दिया है वन अपॉन टू, तो उसका क्या होता है, टू अपॉन वन। तो यहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉट कम्युनिटिव, और यहाँ पे दिया है ए डिवाइड बाई बी
डिवाइड सी डिवाइड बाई डी नॉट इज इक्वल टू, नंबर क्या करना है इंटरचेंजिंग, सी डिवाइड बाई डी डिवाइड ए डिवाइड बाई बी, गॉट इट। तो ये था आपका कम्युनिकेटिव, और नीचे दिया है आपको एग्जाम्पल, ये सेटिस्फाई होता नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिविजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होता है। आपको नीचे फॉर्मूला दी हुई है डिविजन में, आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, तो कि सर उसमें जो भी प्रॉपर्टी दी है उसमें दो नंबर का एडिशन करो तो आंसर रेशनल नंबर आना चाहिए। किसमें एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन में तो सर माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन में सर मल्टीप्लाई करना है, और डिविजन में डिवाइड करना है। कम्युनिकेटिव में क्या है तो कि सर नंबर का इंटरचेंजिंग करना है, और LHS और RHS का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कम्युनिकेटिव में कितने नंबर होते हैं सर, दो नंबर होते हैं। अब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है तो कि सर तीन नंबर होते हैं, और उसमें क्या करना है ब्रैकेट होता है उसका इंटरचेंजिंग करना है। और सर आइडेंटिटी के अंदर तो कि आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो उसका वन होता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या होता है जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन का आइडेंटिटी खत्म होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें दो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो में ही अप्लाई होती है, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन में। तो पहले देखेंगे हम एडिशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन इफ ए डिवाइड बाई बी सी डिवाइड बाई डी एंड ई डिवाइड बाई एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर्स देन ए डिवाइड बाई बी इनटू ब्रैकेट में लिखा है सी डिवाइड बाई डी प्लस ई डिवाइड बाई एफ। उसने क्या बोला था, एडिशन के बारे में है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिया है। अब क्या करना है, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू के इस साइड आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, ब्रैकेट है वो क्या करना है ओपन कर देना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए बी ए डिवाइड बाई बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, एक मल्टीप्लीकेशन हो गया, फिर बीच में कौन सी साइन है, प्लस ए डिवाइड बाई बी इंटू ई डिवाइड बाई एफ, ब्रैकेट को ओपन कर देना है। और उसका नीचे एक आपको एग्जांपल दिया ही है, और दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेटिस्फाई होगी। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करना है तो कि सर यहाँ पे जहां पे प्लस है ना वहां पे सिर्फ माइनस पुट कर देना है, तो वो क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, दोनों सिमिलरली है, एक में प्लस करना है और एक में माइनस करना है, तो उसमें भी लिखा है आपको ए डिवाइड बाई बी इंटू ब्रैकेट सी डिवाइड बाई डी माइनस ई डिवाइड बाई एफ और इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी इंटू सी डिवाइड बाई डी माइनस ए डिवाइड बाई बी इंटू ई डिवाइड बाई एफ। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, नीचे आपको एग्जाम्पल दिए हैं। हमने आगे प्रॉपर्टीज में बढ़ा, वो सेम चीज यहाँ पे देखी है, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें की रोल ऑफ जीरो, तो कि जीरो के साथ को मल्टीप्लाई का हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ। आगे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी चीजें देखी है, तो यहाँ पे लिखा है ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो ए है वो क्या है, होल नंबर है, ठीक है, इंटीजर से रेशनल नंबर से, तो यहाँ पे एडिशन आइडेंटिटी में लिखा है जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर्स, ठीक है। ये था एडिटिव आइडेंटिटी और रोल ऑफ जीरो के बारे में। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने बोला था एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो कि सर जीरो होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है सर वन होती है, इसीलिए बाजू में लिखा है रोल ऑफ वन जीरो और रोल ऑफ वन, तो कि हम वन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो कि सर इट सेल्फ ही आएगा, तो ए इंटू वन इज इक्वल टू क्या आएगा ए, और नीचे लिखा भी है ए इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ रेशनल नंबर्स।
यहाँ पे बात करेंगे हम एडिटिव इनवर्स के बारे में और रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, वो भी हमने आगे की प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ लिया है, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। सर एडिटिव इनवर्स में के अंदर क्या होता है कि जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है माइनस, और जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। क्यों? हमने बोला था कि एडिटिव इनवर्स है उसमें क्वेश्चन और आंसर काम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, एग्जाम्पल भी दिया है और लिखा है सो वी से दैट माइनस ए अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी एंड ए अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी। सेम चीज रेसिप्रोकल में है। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि न्यूमेटर और डिनोमेटर क्या करना है, इंटरचेंजिंग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर ए अपॉन बी इज डिफाइन एज बी अपॉन ए सो दैट ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, तो आंसर क्या आएगा वन। क्योंकि आंसर और क्वेश्चन का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए वन। किसमें? रेसिप्रोकल और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि सर उसका आंसर क्या आना चाहिए जीरो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, जीरो डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जीरो है वो इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर दो रेशनल नंबर दिए हैं तो उस बीच में अंदर रेशनल नंबर फाइंड कैसे करें। टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, उसमें दो मेथड है, एक मिड वैल्यू मेथड, न्यूमेरेटर मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिड वैल्यू मेथड। तो मिड वैल्यू मेथड में क्या होता है कि बेसिकली दो नंबर दिए हैं तो वो दो नंबर का एडिशन करना है और डिवाइड बाई टू, एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो दिए हैं आपको, इफ आर एंड एस बी आर टू रेशनल नंबर्स एंड आर लेस देन एस देन सिंस आर लेस देन एस, ठीक है। अब दोनों साइड क्या किया है नेक्स्ट इक्वेशन में, तो दोनों साइड हमने आर एड किया है बोथ साइड, ठीक है। तो आर आर प्लस आर कितना हो जाएगा, तो कि टू आर, उसमें आर प्लस एस टू इस साइड मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा सर डिवाइड, तो कि आर लेस देन आर प्लस एस डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब उसके ऑपोजिट एक दिया है कि सेम चीज ली लेकिन इसमें r ऐड किया था, इसमें क्या किया है s ऐड किया है, ठीक है। तो r प्लस s लेस देन s प्लस s, r प्लस s लेस देन 2s, टू इस साइड मल्टीप्लाई है उस साइड आएगा तो डिवाइड, ये होल डिवाइड में है, हाँ s डिवाइड बाई टू नहीं है, होल डिवाइड है, r प्लस s होल डिवाइड बाई टू लेस देन s, ठीक है। तो सिंपल इसमें एक ही फॉर्मूला है, जो दो रेशनल नंबर दिए है r एंड s वो दोनों का एडिशन डिवाइड बाई टू, तो उसके बीच का आपको रेशनल नंबर यहाँ पे लिखा है देयर फॉर आर लेस देन आर प्लस एस डिवाइड बाई टू लेस देन एस। तो ये है जो बीच में है ना r और s के बीच में, ठीक है, दोनों लेस देन के बीच में, वो आपकी एक फॉर्मूला है लिव्स बिटवीन r एंड s, हेंस द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन द r एंड s इज r प्लस s डिवाइड बाई टू। ये था आपको एक मिड वैल्यू मेथड था, ठीक है। नेक्स्ट में आपको एक एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल देखेंगे मिड वैल्यू मेथड का। तो ऊपर आपको सिर्फ यह वो मेथड दिए कि पॉइंट्स दिए क्या क्या करना है, नीचे आपको एग्जांपल दिया है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। तो दो नंबर दिए कौन से, वन एंड टू, तो एक वन है वो आपका आर होगा और टू है वो आपका एस होगा। तो क्या करेंगे वन डिवाइड बाय टू होल डिवाइड बाय क्या होगा टू, टू डिवाइड बाय टू नहीं, वन प्लस टू डिवाइड बाय टू, तो उसका आंसर क्या आएगा वन प्लस टू दैट मीन्स की थ्री, थ्री डिवाइड बाय टू, तो थ्री डिवाइड बाय टू है वो वन एंड टू के बीच में आता है, क्योंकि थ्री डिवाइड बाय टू करोगे तो आंसर क्या आएगा सर 1.5 आएगा, तो 1.5 कहां पे आता है तो वन और टू के बीच में, गॉट इट। ये एक आपको एग्जांपल दिया था।
दूसरी मेथड है वो आपको न्यूमरेटर मेथड है। उसमें क्या करना है, यूजिंग दिस मेथड टू फाइंड आउट फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नेगेटिव फ्रैक्शंस विथ कॉमन डिनोमिनेटर। अगर दो नेगेटिव फ्रैक्शन दिए तो पहले डिनोमिनेटर क्या करना है, कॉमन करना है। वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव फ्रैक्शन विथ वन डिनोमिनेटर, टू पॉजिटिव फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है, तो कि आपको डिनोमिनेटर पहले तो इक्वल टू करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 1 अपॉन 9 एंड 4 अपॉन 9। तो कि सर दोनों के बीच में डिनोमिनेटर है वो 9 दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो अभी पहले ये देखो कि बीच के दोनों के बीच में नंबर कितने हैं, तो कि सर 0, 1, 2, 3 सिर्फ 4 ही नंबर है, लेकिन हमें फाइंड कितने करने हैं, 10। तो पहले न्यूमिरेटर का क्या करेंगे हम, गैप बढ़ाएंगे तो कितने, तो कि सर 11 चाहिए पहले, तो 11 चाहिए तो कितना करेंगे हम, तो कि सर न्यूमिरेटर है उसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी करना होगा। तो यहाँ पे लिखा है थस द गिवन फ्रैक्शन बिकम 1 × 3 डिवाइड बाय 9 × 3। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एंड तो अभी बाजू वाला है उसको भी करेंगे, 4 × 3 डिवाइड बाय 9 × 3, तो आएगा क्या, तो कि -3/27 एंड 12/27। अब ये दोनों के बीच में कितना है, तो कैसे 10 नंबर है, तो कौन से, तो -2/27, -1/27, 0, 1/27, 2/27, 3/27, 4/27, 5/27, 6/27 और 7/27, तो ये 10 नंबर्स हो गए। ठीक है, इस चैप्टर में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लोजर, कम्युनिटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटीज और इनवर्स। फिर आता है एडिटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर आपकी दो मेथड है, कौन सी, तो कि मिड वैल्यू मेथड और है न्यूमेरेटर मेथड। इस चैप्टर में आपको इतने पॉइंट्स पढ़ने थे, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है।